अस्सलाम वालेकुम जी, डॉग नाज़िर अब्दुल मीहान आप खिदमत में हाजिर है। आज का ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी सीरीज़। फार्माकोग्नोसी सीरीज़ से मुराद ये है कि हम फार्माकोग्नोसी के मतलब कुछ अपलोड करेंगे ये वाली वीडियोज़, और कुछ आने वाली वीडियोज़ फार्माकोग्नोसी की फील्ड के रिलेटेड होंगी। फार्मेसी किसी फील्ड से रिलेटेड हैं, स्पेशली फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट के साथ मुंसलिक हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारी आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और अगर नहीं हैं तो काइंडली छोड़ के मत जाएं चैनल को, वीडियो पूरी देखें और आगे वाली वीडियोस भी देखें, ताकि मेरे व्यूज तो बन जाएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब तो सब्सक्राइब कर दो, इस अंगूठे के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आगे बढ़ते हैं वीडियो की जाने। फार्माकोग्नोसी की फील्ड से मतलब आज जो हम ड्रग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कोनियम। क्या नाम है जी? कोनियम। साइंटिफिक नेम क्या है? कोनियम मैकेलेटम। क्या नाम है? कोनियम मैकेलेटम। फैमिली कौन सी है जी? एम्बेलीफेराए, इसको एपिएसी फैमिली भी बोलते हैं। साथ ही जिस ड्रग कोनियम को हेमलॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमलॉग, और पोजनस हेमलॉग भी कहते हैं। ये ड्रग इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये हिस्टोरिकली भी बहुत मशहूर है। इसलिए मशहूर है क्योंकि आपने सुकरात का नाम सुना होगा, सुकरात को यही जहर देकर मारा गया था। इस ड्रग का जो पार्ट यूज़ करते हैं एज फॉर ड्रग वो हैं रूट्स और सीड। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो पोइजनस फिब्रिडीन और क्लाइड होता है। पोइजनस वर्ड जहर सी बात इन्वॉल्व होगा क्योंकि ये ड्रग टोटली जहर है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की बात कर रहे थे हम, तो पोइजनस फिब्रिडीन और क्लाइड होते हैं इसमें अंदर, साथ ही साथ एन मेथाइल कोनीन होता है और कोनहाइड्रीन होता है। यूज़ की बात करें तो उसके वाइडली होम्योपैथिक यूज़ हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी किस्म के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डील करने के इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ यूटीआई इन्फेक्शन जो होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उनको डील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अस्थमा ब्रोंकाइटिस क्रैम्प्स को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। इंक्रीज यूरिनेशन, अगर आपको हद से ज़्यादा आपकी बॉडी पेशाब के खराज कर रही है, यूरिन खारिज कर रही है, यूरिन का एक्सक्रीशन अगर हद से ज़्यादा हो रही है, तो यानी एक्सेसिव यूरिनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टॉक्सिटी लेवल डिस्कस करें तो आपको बताएं कि पॉइजनस है, इसका राज इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अगर हम राज इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इसका ओन बाय ओन अपनी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए डेडली होगा, नुकसानदेह साबित होगा। तो क्या करेंगे? किसी भी कोई भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे, वो क्या करेगा इसकी प्रॉपर डोज बनाएगा किसी भी होम्योपैथिक ड्रग की फॉर्म में या होम्योपैथिक ड्रग की फॉर्म में, और फिर वो हमें क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा। इसकी डोज की बात करें तो इसको हम दो तरीक़े से ले सकते हैं, टिंक्चर सीड की फॉर्म में, सीड का टिंक्चर बनाकर, और साथ ही साथ जो लीव्स हो उसको पाउडर बनाकर। लीव्स का जो पाउडर होता है उसको 2 से 3 दानों के बराबर, 2 to 3 ग्रेन्स के इक्वल इसकी अमाउंट एज अ ड्रग एज अ मेडिसिन हम ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो सीड का जो टिंक्चर है उसको हम 60 ग्रेन के इक्वल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में सबसे पहली बात यही होगी कि फैटल है, डेथ कॉजिंग है क्योंकि पॉइजनस है। दवाई क्या करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम कॉज करता है, बर्निंग कॉज करता है स्टमक के अंदर। इसके अलावा सेलिवेशन कॉज करता है, और एट द एंड वही बात कि पॉइजनस है, अगर आप अपनी मर्जी से लेंगे या इसको ओवरडोज करेंगे तो क्या होगा? डेथ कॉजिंग होगा, फैटल होगा और हम मर जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। मज़ीद हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे आने वाली वीडियोस देखते रहें। इस तरह हम प्यार करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Kindly subscribe, like, comment, share, and don't forget to press the bell icon for the more videos.